हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। आज संडे है और फन डे है। हाँ, बहुत सारा काम है, कपड़े धोने हैं। आज धोना भी होता है वैसे, बहुत सारा कपड़ा सबको धोना होता है। बाथरूम बिजी है, अभी तक नहा ही नहीं हूँ मैं, और अभी एक्सरसाइज भी नहीं की हूँ, तभी मैं एक्सरसाइज करूँगी। लेट्स डू। मेरा एक पार्सल आया है, अभी मैं जा रही हूँ। आज तो गार्ड अंकल भी लेट से आते हैं। एक भी स्टाफ, कोई गार्ड, कुछ कोई नहीं है, पूरा खाली। जब आपसे आपके बड़े भाई और बहन हो ना, ऐसे ऐसे पार्सल रोज मिलते हैं। छोटे होने का फायदा भी है, नुकसान भी है। बहुत काम करना पड़ता है। घर के हर एक मेंबर आपको काम बताएंगे, लेकिन आप किसी को नहीं बता सकते क्योंकि आप छोटे हो। लेकिन गिफ्ट्स भी मिलते हैं। अभी मैं जस्ट नहाई हूँ और फिर से मुझे कॉल आया कि मेरा एक पार्सल है। मैं फिर से दौड़ के जा रही हूँ। बताइए, इतनी बार कॉल की है मुझे वो, 8 से 9 बार कॉल की है मुझे। लास्ट टाइम मैं रिसीव की और मैं तो थी बाथरूम में नहा रही थी। अच्छे हैं वैसे लोग, 2-4 बार कॉल करते हैं, इसके बाद 5 बार मैक्सिमम, नहीं तो नहीं कॉल करते हैं। 10 बार लगभग, 8-9 बार कॉल किए ये, और वो बोल रहे थे कि ये लास्ट कॉल है, नहीं तो मैं चला जाता। थैंक यू बोली, आ गई। तुम दौड़ दौड़ के गई हो नीचे। पूरा एकदम सन्नाटा। मेरा बाल अभी गीला है और मुझे ट्रिम भी हेयर करवाना था अपना, तो मैं तो सैलून जा पाई नहीं उस दिन, जब घर से आ रही थी उस दिन भी। और कल अगर गई भी थी आउटिंग, तो हम लोग इतने जल्दी थे, जल्दी जल्दी में थे मूवी देखने के चक्कर में। तो अभी मैं अपने फ्रेंड के हेल्प से, अपने रूममेट के हेल्प से थोड़ा सा हेयर ट्रिम कर लेती हूँ। सीधे फ्री हो जाना तो बोलना। मेरे रूममेट मेरा हेयर ट्रिम कर दिया है और बहुत अच्छा किया है, बहुत बेटर है पहले से मेरा हेयर। पहले नीचे से तो बहुत ज़्यादा अजीब ही लग रहा था, स्प्लिट एंड्स भी था बहुत ज़्यादा। थैंक यू सिद्धू, वेलकम। ज़्यादा नहीं कटा है पर अचानक से लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, लग रहा है ना कि बहुत कट गया, लेकिन 2 इंच कटा है बस। आई एम हैप्पी विद दिस हेयर कट। आज ये हमारा लंच है, चावल सैलेड और ये चिकन। मापड़े हालत देखिए क्या अजीब ही लग रहा है। रोटी भी है, मैं रोटी नहीं ली, बस चावल खा रही हूँ। बस में एक नया टेबल लगा है वाटर कूलर की जगह पे। क्या कर रही हूँ कि इस ब्लैक फैब्रिक को, जो मैं थोड़ा सा कुछ मीटर मंगवाई थी, तो उसको ना सिल के हाथ से ही, बस कुछ नहीं, बस मोटा सिलाई करके मेरे स्क्यूट कूलर को अब कवर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गई है तो इस कूलर का भी कोई काम नहीं है। अब डायरेक्ट मार्च अप्रैल में निकलेगा ये, फिर तो इसके लिए मैं कवर बन जाए तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। फिर मेरा कवर बन के रेडी है, अब इसमें लगा देती हूँ। ठंड स्टार्ट हो गई है तो कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कवर लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइस, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसे अब खोलना पड़ेगा। अब आज तो नहीं होगा क्योंकि अभी खाना खाने भी जाना है, तो कल करूँगी अभी क्लास से आने के बाद। हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। सब कुछ अपना प्लेट, बॉटल, पानी लाने के लिए सब कुछ लेकर के जा रहे हैं। और आज वैसे मेरी रूममेट बोलती है कि मैंने उसका चेंज हुआ, आज मिक्स वेज है। देखती हूँ मिक्स वेज कैसा होता है। आज में मिक्स वेज मिला है और ये कुतरुम का चटनी है, कुतरुम एक फूल होता है। अभी मैं छत पे आई हूँ खाना खा करके,
और अभी सब लोग सो गए हैं और नीचे आप लोग देख सकते हो कि कोहरा लगा हुआ है, फॉग लगा हुआ है चारों तरफ। और एक दिन फॉग लगता है, एक दिन नहीं लगता है। और बेसिकली मैं यहाँ पर आई हूँ आराम से एडिटिंग करने के लिए, ताकि कोई डिस्टर्ब भी ना हो। मेरी रूममेट अभी वो पढ़ाई कर रही है, और तो यहाँ से एडिटिंग करने के बाद जाऊँगी तो थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी और फिर नींद आ जाएगी तो सो जाऊँगी। और अभी कमरे में ठंड नहीं लगती है, बाहर ज़्यादा लगती है, और ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ एडिटिंग करने। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अभी तक आप लोग जो भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय।